भारतीय संविधान, जिसे दुनिया का सबसे लचीला संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कानून किसी भी फैसले तक पहुँचने के पहले कड़ी जांच पड़ताल करता है और इसी संविधान में देशवासियों की सुरक्षा का पूरा जिम्मा पुलिस वालों के कंधे पर रखा है, ताकि क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या है और उसके साथ कोई भी कुछ गलत हुआ है तो वो लोग बेझिझक पुलिस वालों के पास जाएं और पुलिस उनकी सुरक्षा और अधिकार का ध्यान रखे। लेकिन क्या होगा अगर ये ही पुलिस वाले क्षेत्रीय लोगों को परेशान करने वाले आरोपियों को श्रेय देने लगें और निर्दोष पीड़ितों पर डंडे बरसाने लगें? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसा ही कुछ हुआ है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। भोपाल के रातीबड़ थाना क्षेत्र में पुलिस वालों ने आरोपी कट्टरपंथियों के खिलाफ मामला दर्ज ना करते हुए खुद पीड़ितों पर ही लाठी डंडे से वार और अमानवीय व्यवहार किया। दरअसल आपको बता दें कि ये पूरा मामला रातीबड़ थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस वालों की गुंडागर्दी करने का मामला सामने आया है। यहाँ की पुलिस एक हाथ से आरोपी मुस्लिम कट्टरपंथियों का बचाव करती है और दूसरे हाथ से हिंदुओं के साथ अमानवीय व्यवहार, गाली गलौज और लाठी चार्ज करती है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। दरअसल बीते गुरुवार का वो वक्त था जब एक हिंदू पक्ष का व्यक्ति और एक मुस्लिम पक्ष का व्यक्ति दोनों की गाड़ियों में आपस में भिड़ंत हो जाती है। दोनों के बीच में काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन मामला कुछ समय के बाद में ही ठंडा हो जाता है। लोग अपने अपने घर वापस चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद में अचानक से मुस्लिम पक्ष का वो व्यक्ति अपने साथ में कई गुंडों को लेकर आ जाता है, जिसके बाद में हिंदू पक्ष के लोगों के साथ में काफी ज्यादा बड़ा झगड़ा होता है, काफी ज्यादा बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया जाता है। दोनों ही पक्षों के बीच में लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन हो जाते हैं। आपको बता दें कि लड़ाई झगड़ा खत्म होने के बाद में जब हिंदू पक्ष के लोग पुलिस वालों के पास गए ताकि वो अपने साथ में हुए इस मामले की रिपोर्ट दर्ज करवा पाएं और उन आरोपियों के खिलाफ में कार्रवाई करवा पाएं जिन्होंने उन पर हमला किया था। हिंदू समुदाय के लोग पुलिस वालों के पास में काफी ज्यादा आशा लेकर गए थे ताकि वो उन आरोपियों को सजा दिलवा पाएं, लेकिन जैसे ही वो थाने पहुंचते हैं तो पुलिस वालों ने उनकी कंप्लेन सुने बगैर ही उनको लाठी डंडों से मारना शुरू कर दिया, उनके साथ गाली गलौज करना शुरू कर दिया, उनके साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार किया गया जो किसी आरोपी के साथ भी शायद ही होता हो। वहीं आपको बता दें कि हिंदू समुदाय के लोगों को मारने वाले कोई एक या दो लोग नहीं थे, बल्कि थाने में जितने लोग मौजूद थे सभी ने मिलकर इन लोगों को मारना शुरू किया था और साथ ही पुलिस वालों ने आरोपियों के खिलाफ कोई मामला दर्ज भी नहीं किया, जिसके बाद में हिंदू पक्ष के कार्यकर्ताओं ने इस मामले के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया। उन लोगों ने थाने को घेर लिया और 3-4 बजे तक वहीं पर धरना देकर बैठे रहे, जिसके बाद में अभी भी हिंदू पक्ष की ये मांग है कि जिन कट्टरपंथियों ने उनके साथ मारपीट करना शुरू किया उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए और उनको उचित सजा दी जाए। आपको बता दें कि इसी बीच में एक और बड़ी मांग भी उठ गई है कि उस थाना क्षेत्र के TI को भी सस्पेंड कर दिया जाए, क्योंकि FIR करने की मांग लेकर गए इन सभी कार्यकर्ताओं को TI समेत सभी लोगों ने मिलकर घेरा और उनको काफी ज्यादा प्रताड़ित किया। वहीं आपको बता दें कि हिंदू कार्यकर्ताओं की ये सीधी मांग है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई, आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की गई, तो अगर कोई भी शांति भंग होती है तो उसका पूरा जिम्मा उस थाने के TI पर ही जाएगा। अब आप ही बताइए कि क्या इन हिंदू कार्यकर्ताओं का, जिन पर जुल्म किया गया, जिन पर कट्टरपंथियों ने बुरी तरह उनके साथ मारपीट की गई, उनकी ये मांग कि आरोपियों के खिलाफ FIR हो, क्या ये गलत है जिसके कारण पुलिस वालों ने इनको इतनी बुरी तरीके से पीटा? आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।